ओके चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक केसिंग सिस्टम हमने देखा है। अगेन लर्निंग थियरी ज्यादा अकाउंट्स में आता नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये चार चीजें। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी अगर व्यक्ति तुम्हें डबल एंट्री सिस्टम की बात करे तुम्हारे सामने, तो आपको पता होना चाहिए कि डबल एंट्री सिस्टम मतलब बुक्स में हमेशा पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कि बिजनेस बेटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। और डबल एंट्री सिस्टम में मिनिमम कितने इफेक्ट रहेंगे रिया बेटा? दो, एक डेबिट और एक क्या राजा? क्रेडिट। ठीक है रिया बेटा, फोन रख दो। अब एक क्या है? टू अकाउंट्स में, वन क्या? रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड दूसरा क्या? गिवर ऑफ बेनिफिट। नाउ इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर बट ऑब्वियस क्या? क्रेडिट है। और एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्या? क्रेडिट विद द सेम अमाउंट करके। ठीक है, तो ये हो गया था। ये एडवांटेज क्या है सर, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है, कॉमन एक्सेप्टेंस वगैरह। लेकिन आज मेन चीज पे आना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और यहाँ से आपके मेन चैप्टर चालू हो जाता है हम लोग। और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऐसे समझना कि हमें डेबिट और क्रेडिट देने का ट्रेडिशनल अप्रोच। और यहां से तुम लोगों ने, तुम्हारा पूरा ध्यान इधर होना चाहिए अभी के इस लेक्चर में और आने वाले कुछ सीरीज 4, 5, 10 लेक्चर में। क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर समझना है तो यहां से आपका हर एक दिन, हर एक लेक्चर, बोलते ना कि ध्यान देना बहुत ज्यादा वैलिड हो जाता है। अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक कौन सा अकाउंट बॉस? पर्सनल, और एक इम्पर्सनल। लेकिन हम बहुत बार इम्पर्सनल यूज नहीं करते हम ना, इसके वो जो सब क्लासिफाई अकाउंट है रियल और नॉमिनल, इसी को यूज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में, एक पर्सनल और एक क्या? इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में फर्दर डिवाइड हुए चीजों को रियल और क्या? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब ये होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति ट्रांजेक्शन करेगा तो हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम कितने अकाउंट होते हैं? दो। तो वो दोनों अकाउंट में से कोई तो एक अकाउंट पर्सनल हो सकता है, कोई तो एक रियल हो सकता है, कोई तो एक नॉमिनल हो सकता है, या दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों पर्सनल हो सकते हैं। मतलब जो भी दो अकाउंट आएंगे उन दो अकाउंट को आपको इनमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट में फर्दर क्लासिफिकेशन है बॉस, ये अलग तरीका है। मतलब जैसे कि मैं कहूं कि ये चीज, ये जो चार्ट है ना, आपको एक मार्क्स के लिए सवाल जरूर आएगा इसका पेपर में, तो आप लोगों ने इस चार्ट को बहुत अच्छे से करना है बॉस। मतलब कोई भी ऐसे ना कहे कि सर अभी ध्यान नहीं दिया तो चलेगा क्या। पर्सनल इम्पर्सनल में आगे जो चीजें आ रही है बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहले पर्सनल में खत्म करूंगा, पर्सनल में एक चीज छोड़ के रिप्रेजेंटेटिव पहले दो बता दूंगा, जैसे पहले आपको बताया था, आपका रिवीजन होगा। फिर मैं आपको रियल अकाउंट के बारे में आइडिया दूंगा, और फिर मैं आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में आइडिया दूंगा। आज अंडरस्टैंडिंग अकाउंट्स के बारे में लर्निंग होगी आपको, फिर मैं रैंडम कोई भी एक अकाउंट का नाम दूंगा, आप मुझे बताओगे पर्सनल है, रियल है कि क्या बेटा? नॉमिनल है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उन्होंने कहा कि भाई नेचुरल पर्सन, नेचुरल मतलब वो जो बाय बर्थ यहाँ पे पृथ्वी पे आया है, जो जिंदा है, जिसके अपने कुछ थॉट्स हैं, जिसके अपने कुछ एक्शंस हैं, किसी भी, जैसे मैंने बोला श्रेय अकाउंट एक व्यक्ति का नाम है, ये कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। और वो कौन सा है बेटा? नेचुरल पर्सन। अगर मैंने कहा रुत्वा अकाउंट, कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। अगर मैंने कहा रिया अकाउंट, कौन सा होगा? पर्सनल। पूर्वा अकाउंट पर्सनल, श्रद्धा अकाउंट पर्सनल, शिवानी अकाउंट पर्सनल, किसी का भी नाम ले लो, है ना, तो यश अकाउंट पर्सनल। तो ये क्या है बॉस? पर्सनल अकाउंट एकदम सॉर्टेड है। नेचुरल पर्सन में तुम्हें सोचना ही नहीं, अगर व्यक्ति का नाम आया तो अकाउंट क्या रहेगा? पर्सनल। और सब क्लासिफिकेशन पूछा तो कौन सा? नेचुरल पर्सन। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय लॉ होती है, लॉ द्वारा बनती है, जैसे जियो, रिलायंस लिमिटेड। तुम्हें लॉ में सिखाऊंगा जब सीए फाउंडेशन का लेक्चर होगा कि क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ द्वारा निर्मित है, उसका भी जन्म हुआ, लेकिन जन्म माँ की पेट से नहीं, लॉ से हुआ है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई सुना है तुमने अभी रिसेंटली, बहुत सुना होगा। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसके उसके कॉम्पिटिशन में या उसको हेल्प करने के लिए चैट जीपीटी, हम लोग ये क्या देखते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई। वैसे ही एक ह्यूमन होते हैं जो एक नेचुरल ह्यूमन है, और एक कौन सी ह्यूमन है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो जैसे कि पुणे पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब, बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जो भी कंपनी, जो भी संस्था बाय लॉ क्रिएट हुई है, ये सारे नाम आए तो वो भी मेन अकाउंट क्या रहेगा उनका? पर्सनल अकाउंट रहेगा। लेकिन सब क्लासिफिकेशन पूछा तो आप क्या कहोगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये दो ही बताओगे, ये जानबूझ के मैं रुकने वाला हूं, क्योंकि आगे जाके आपको मैं कुछ बताऊंगा फिर इस पे आऊंगा, आज ही होगा। पहले तो मुझे बताओ, एकदम रिलैक्स रहो, मैं अभी आपको कौन सा अकाउंट सिखा रहा हूं? पर्सनल।
पर्सनल मैंने आपको कितनी बातें बताई, दो, कौन सी बेटा? एक नेचुरल और एक क्या, आर्टिफिशियल। अब उसी का मेरे को जवाब देना। मैं बोल रहा हूँ धोनी अकाउंट नेचुरल पर्सन, मैं बोल रहा हूँ रोहित शर्मा अकाउंट नेचुरल पर्सन, बोल रहा हूँ बुमराह अकाउंट नेचुरल अकाउंट, आईसीसी जो क्रिकेट अपना है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड का, नासिक महानगर पालिका आर्टिफिशियल पर्सन, लायंस क्लब आर्टिफिशियल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन रहेगा, ठीक है? ओके, तो ये हो गया दो पार्ट। एक को हमने इंटेंशनली छोड़ा है क्योंकि बाद में वो समझेगा। फिर यहाँ पे आते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में कितने अकाउंट है? दो, एक रियल और एक क्या, नॉन। पहले मैं आपको रियल बताता हूं। रियल अकाउंट मतलब कोई भी असेट का नाम अगर आया तो कौन सा अकाउंट रहेगा? रियल। लेकिन असेट दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार की होती है? एक टेंजिबल और एक क्या बॉस, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये चेयर आपको दिख रही है, यस, तो जो दिख रहा है जिसको मैं छू पाता हूं ये कौन सा असेट हो गया? टेंजिबल। और इनटेंजिबल का मतलब जो असेट तो है बट दिखता नहीं है, उसका वैल्यू तो होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया बॉस, गुडविल। और एक एग्जाम्पल क्या है? पेटेंट। और एक एग्जाम्पल क्या है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। आपने देखा रहेगा आपके बुक में, किताब में कहीं तो ऐसे ट्रेडमार्क सीआर कॉपीराइट होगा। पहले पेज पे देखिए, मैंने दिखाया भी तो आपको वापस एक बार, पहले पेज बेटा, एकदम शुरुआत का पेज, एकदम शुरुआत का, एकदम वहां पे सी आर ऐसे रिया रहेगा या पी रहेगा या सी आर रहेगा, कॉपीराइट रहेगा, एकदम पहले वाला वैसे पेज, एक दो टर्न करा उसी पेज पे रहेगा। देखा देखा, अगर अकाउंट्स का बुक है आपके पास दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंट के बुक में आप अगर पहला पेज देखते हो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लिखा है, उसके बाद टर्न करोगे तो ऊपर देखो ऐसे सी, उसको ना राउंड किया गया है और उसके आगे लिखा है महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड सर्कुलर, सर क्या, करिकुलम रिसर्च पुणे, ठीक है? और और, 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 और देखो उस सी जो लिखा है ना उसके नीचे कुछ लिखा है, कॉपीराइट का मतलब क्या, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च रिजर्व ऑल राइट रिलेटिंग टू टेक्स्ट बुक, या जो बुक है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक शुड बी रिप्रोड्यूस विदाउट रिटन परमिशन ऑफ डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड क्या, करिकुलम रिसर्च पुणे, कि हमारे परमिशन के बिना आप इस बुक को आगे रिप्रिंट नहीं कर सकते, जेरोक्स नहीं निकाल सकते, पीडीएफ नहीं बना सकते। तो ये उन्होंने क्या ले लिया है? अधिकार। और ये तुम्हारा क्या होता है? असेट। कौन सा असेट होता है? टेंजिबल की इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। और उसको अपन क्या बोलते हैं? रियल। कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियल। लेकिन रियल में भी कौन सा बॉस? इंटेंजिबल। नहीं, दस थोड़ा ही होने के बाद बताता आपको क्या होता है बॉस, इंटेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल। ये समझा ना, कॉपीराइट ये वाला था, वो जो सी आपने देखा ना सी, वैसे ही पेटेंट का भी होता है कि आपने अपने नाम पे किसी जो नया इन्वेंशन किया उसका पेटेंट ले लिया, तो उसका जो भी रॉयल्टी रहेगा, जो भी पैसा रहेगा, आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपके नाम पे वो चीज आ गई कि आपने वो इन्वेंशन किया है, फिर बाद में दुनिया कितना भी कॉपी करे, ठीक है ना? बहुत बार अभी ना नासिक में एक प्रोडक्ट आया, हम ऐसे ही देखने गए थे, जो पिलो होता है या बेड, बेडशीट होता है, बेड होते हैं करके, तो 70,000 रुपीज का है। बोले हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी सर, इसमें आपको मतलब भाई नींद तो ऐसे भी लग जाती है, लेकिन वो बेनिफिट है 70,000 का बेड, बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो अभी उन्होंने बोला क्या हिसाब हिसाब फलाना देखना जो भी है, तो बोले वहां पे वर्ड यूज हुआ पेटेंट, पेटेंटेड, अगेन पेटेंट तुम्हारा असेट होगा, बट विच असेट बॉस, इनटेंजिबल। कौन सा? इनटेंजिबल। ओके, गुडविल तो हमें पता है, रेपुटेशन जो मॉनेटरी टर्म में होता है। वैसे ही एक और एक चीज है, क्या तीन ही है, चौथा और है क्या, ट्रेडमार्क। क्या बेटा? ट्रेडमार्क। ये चारों नाम अगर आए, क्यों बता रहा हूं अभी, अमोल अकाउंट बोला तो तुम क्या बोलोगे? पर्सनल। लेकिन मैंने पेटेंट बोला तो रियल, इंटेंजिबल असेट बाद में, लेकिन मेन अकाउंट क्या है? रियल। मैंने तुमको गुडविल बोला तो इंटेंजिबल, बट व्हाट? रियल अकाउंट। मैंने तुमको ट्रेडमार्क बोला तो रियल। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारी चीजें कौन सा अकाउंट है? मेन अकाउंट। रियल। अगर असेट का क्लासिफिकेशन पूछा तो बोलना क्या? इंटेंजिबल असेट। बाकी तो देखो, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी, डिजिटल बोर्ड, चेयर, पैर, फर्नीचर, ये सारा मेरा टेंजिबल असेट है, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ। बट एनीवेज, टेंजिबल इनटेंजिबल तो साइड में रखो, लेकिन ये कुछ भी नाम आए छे के छे, ये तुम्हारा मेन अकाउंट कौन सा रहेगा बॉस? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट रहेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट समझा, इन शॉर्ट, ठीक है?
मैं आपको पूछना चाहता हूं दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका आर्टिफिशियल पर्सनल मेन हेडर बोलो, पहले बोलने का मेन पर्सनल और उसमें सब क्लासिफिकेशन बोलने का, ऐसे स्ट्रक्चर याद रखो, पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फिर बोलोगे रियल टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऐसे जहीर खान अकाउंट पर्सनल नेचुरल पर्सन, कैश अकाउंट रियल टेंजिबल, वेरी गुड, गुडविल अकाउंट रियल इनटेंजिबल, दिल्ली महानगर पालिका पर्सनल आर्टिफिशियल, रिलायंस लिमिटेड पर्सनल आर्टिफिशियल, लायंस क्लब पर्सनल आर्टिफिशियल, ओके ट्रेडमार्क रियल अकाउंट इंटेंजिबल, कॉपीराइट रियल अकाउंट इंटेंजिबल, कार रियल अकाउंट टेंजिबल, उसके बाद कंप्यूटर रियल अकाउंट टेंजिबल, जो भी एसेट है वो कौन सा अकाउंट होगा बॉस, रियल अकाउंट, क्लियर है। एंड लास्ट अकाउंट है नॉमिनल, और नॉमिनल में क्या है पता है, जो भी आपका खर्चा रहेगा, जो भी आपका लॉस रहेगा, जो भी आपका इनकम रहेगा, जो भी आपका गेन रहेगा, अगर आपने पैसा दिया है, और याद रखना दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट का और एक चीज आपके सामने लेके आने वाला हूं, वो क्या लेके आने वाला हूं, मैंने कहा कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर मैंने क्या किए बॉस, पेड, तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। मेरे को मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, मैंने खरीदा 10 में, बेचा 8 रुपए में, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, ये 2 रुपया, तो लॉस भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। तो समझा एक्सपेंस और लॉस में फर्क, ये एक्सपेंस है, अगर मैंने खर्चा किया, मैंने कुछ ज्यादा में खरीद कम में बेचा तो लॉस, तो वहां पे था कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस अगर कोई अकाउंट डिनोट करेगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट, कौन सा, नॉमिनल। जैसे अकाउंट में एक वर्ड है सैलरी और आगे कुछ नहीं दिया तो अजम्पशन है सैलरी को क्या किया गया बॉस, पेड, तो सैलरी अगर पेड नहीं भी दिया, सिर्फ सैलरी दिया तो आप मानोगे कि वो क्या रहेगा, पेड। मेरे इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है वेजेस, वेजेस का सैलरी का एक प्रकार है, ठीक है, डेली रूटीन पे हम लोग डेली बेसिस पे देते हैं, अब ये बोलने की जरूरत नहीं पेड है, वेजेस है तो पेड ही रहेगा, सिर्फ वेजेस। मैंने अगर यहाँ पे दिया रेंट, अगर रिसीव्ड नहीं बोला तो छोड़ो यार, नहीं कुछ बोला है तो डेफिनेटली क्या रहेगा, पेड। तो अगर मैं सैलरी देता हूं, वेजेस देता हूं, रेंट देता हूं, तो ये क्या क्या डिनोट कर रहा है, एक्सपेंस, तो ये कौन सा अकाउंट रहेगा, नॉमिनल, कौन सा अकाउंट रहेगा, नॉमिनल। अदरवाइज वो ऐसे बोलते सैलरी रिसीव्ड, ईडी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड वर्ड आया, पेड वर्ड आया, तो नॉमिनल अकाउंट का तो था ना एक पॉइंट, एक्सपेंस हो या लॉस हो, या तो दूसरा क्या हो बॉस, इनकम, नहीं तो क्या, गेन। गेन का कशाला मनता सर, मैंने 10 रुपए की चीज 15 में बेची, कितने का फायदा हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट, मतलब ही क्या हुआ, गेन। तो ये जो इनकम हो या गेन हो उसे भी कौन सा अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल, क्या बोलते हैं बॉस, नॉमिनल, ठीक है। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, अगर आपको कुछ ऐसे बोला उन्होंने, देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब क्या होगा, इनकम की एक्सपेंस, इनकम और रिसीव्ड है तो, बट ऑब्वियसली बात है इनकम है तो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। जैसे आपको बोला रेंट पेड, पेड मतलब क्या हो गया, एक्सपेंस, और एक्सपेंस मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, ठीक है। जैसे मैंने कहा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कौन सा अकाउंट है, लॉस, नॉमिनल, ठीक है। गेन आया तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल। तो दोस्तों आपको अगर ऐसे दिख रहा है कि कोई भी अकाउंट किसको डिनोट कर रहा है, या तो इनकम, या तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, या तो लॉस, या तो क्या बेटा, गेन, तो इन सब चीजों को कौन सा अकाउंट कहते हैं बॉस, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, दैट्स ऑल। ये समझा क्या, नॉमिनल अकाउंट क्या होगा,
भाई और बहनों, अगर मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, मैंने लिखा कार, आप कौन सा अकाउंट बोलोगे इसको? आंसर इज रियल। मेन अकाउंट क्या रहेगा बेटा? आंसर इज रियल। और सब अकाउंट की बात किया तो ये क्या हो जाएगा? टेंजिबल। दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा नासिक महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? आंसर इज पर्सनल। लेकिन कौन सा पर्सनल? आर्टिफिशियल पर्सनल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने क्या सीखा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आपने देखा एक तरफ क्या था? पर्सनल। पर्सनल के तीन क्लासिफिकेशन थे बॉस। पहला क्या था? नेचुरल पर्सनल। फिर एक था आर्टिफिशियल पर्सन, और एक क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो आपने अभी तक नहीं सीखा। ये क्वेश्चन मार्क है, मैं आपको बताऊंगा इनके एग्जांपल। आपको पता है अगर मैंने बोला श्रद्धा अकाउंट, तो श्रद्धा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नेचुरल पर्सन। अगर मैंने कहा नासिक महानगर पालिका, आर्टिफिशियल। इसका एग्जाम्पल तुम्हें पता नहीं, लेकिन पता चलेगा थोड़ी देर में, रुको। फिर आपने देखा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में मेन दो अकाउंट है, एक कौन सा बॉस? रियल। और एक कौन सा? नॉमिनल। ये दो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी बॉस। तो मैं आपको अभी इंटेंजिबल टेंजिबल में नहीं क्लासिफाई कर रहा हूं, मैं नॉर्मल रख रहा हूं। मैंने कहा कार कौन सा अकाउंट है? रियल। टेंजिबल बट रियल, ठीक है। मैंने आपको कहा गुडविल कौन सा अकाउंट है? रियल बट इंटेंजिबल, ठीक है। मैंने आपको कहा कॉपीराइट क्या है? रियल, इंटेंजिबल। मैंने आपको पूछा बॉस की बताओ पेटेंट, रियल अकाउंट एंड इंटेंशन। बट मैंने आपको कहा रेंट, आंसर इज नॉमिनल, क्योंकि रेंट जैसे ही वर्ड आएगा आप बोलना कि पेमेंट ही रहेगा, रेंट है तो। और जो खर्चा होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। तो रेंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। मैंने आपको कहा कमीशन रिसीव्ड, नॉमिनल। रिसीव्ड दिमाग में इंट लगाओ, रिसीव्ड मतलब भाई इनकम, और सर ने बोला था इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी अकाउंट हो गए वो किसमें जाएंगे? नॉमिनल में। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा भाई? कमीशन रिसीव्ड, ये किधर चला गया? नॉमिनल। मैंने आपको कहा लाइट बिल पे, मैंने आपको कहा बॉस किस, मैंने मिसल खाने का पेमेंट किया, नॉमिनल, ठीक है ना, खर्चा हुआ। पेट्रोल भरा, नॉमिनल। जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी इनकम होगा, आप सोचो जरा और उसको कहां पे दे देना? नॉमिनल। लेकिन भाई और बहनों बहुत ही मैं आपको इससे उसको कनेक्ट करा रहा हूं। अगर मैंने आपको कहा कि एक्सपेंस कब होता है? जब मैं उसे क्या कर देता हूं बॉस? पेड। इनकम कब मतलब एक्चुअल में आया माना जाता है? जब मैं उसे क्या कर देता हूं? रिसीव्ड। अगर मैंने एक्सपेंस पेड नहीं किया, देना बाकी है, तो उसे एक टर्म बोला जाता है पेबल। क्या बोला जाता है बेटा? पेबल। इनकम रिसीव्ड नहीं हुआ, तुम्हारी फीस, कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया है, उन्होंने कुछ फीस दी है, कुछ फीस आना बाकी है, तो मैं तो यही कहूंगा ना इनकम रिसीव्ड नहीं, क्या है? इनकम बोला तो रिसीवेबल बोलोगे। क्या बेटा? रिसीवेबल। पेमेंट आया तो पेबल, अगर पैसा लेना बाकी है तो क्या? रिसीवेबल। ये छोटे छोटे शब्द तुम्हें समझ रहे क्या? है ना, इंग्लिश से तुम्हें आता है, तुम होशियार बच्चे हो। रिसीव्ड बोला तो मिला है, रिसीवेबल बोला तो आना बाकी है, पेड बोला तो दिया है, पेबल बोला तो देना बाकी है। इसको अल्टरनेटिव वर्ड है आउटस्टैंडिंग। क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। और इसको भी अल्टरनेटिव वर्ड है अक्रूड। क्या बेटा? अक्रूड। तो ये चारों शब्द अगर किसी अकाउंट के आगे आए, आगे पीछे आए, और इसमें प्रीपेड भी एक होता है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी बता देता हूं। ये छह शब्द, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब एडवांस में दे दिया, और प्री रिसीव्ड, एडवांस में रिसीव कर लिया, ये दो ही शब्द है। पेड आएगा इसलिए मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे हटाता हूं, लेकिन ये आता है। ये छह शब्द के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, रेंट आया तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। लेकिन अगर रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट आया ना, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा बताए बॉस? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं ये कहा ना आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड, पेएबल। तो यहां पे देखो अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इतने बड़े आते हैं, या तो आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा है, इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव व्हाट, पर्सनल अकाउंट। दोस्तों आपके सामने वापस, रुपया यहाँ पे जान दो, इधर उधर खोए मत, आपके सामने वापस एक बार बता रहा हूँ, चार्ट ड्रॉ करो, पूरा ध्यान दोगे अभी जितनी आपकी क्षमता है पूरा ध्यान दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरा मेरे साथ ये चार्ट अब ड्रॉ करो, तुम एक बार देख लो कि कैसे ड्रॉ होगा। पहले हम क्या लिखेंगे ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन का स्पेलिंग देख लो, ऐसे एक बार है कि दो बार है, दो बार है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट अकाउंट्स, उसमें एक होगा पर्सनल और एक क्या होगा इम्पर्सनल। ओके, पर्सनल में तीन क्लासिफिकेशन है, कौन से बॉस, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बस। और इम्पर्सनल में दो है, रियल और नॉमिनल, ये मेन है। रियल में टेंजिबल इनटेंजिबल, और फिर एक नॉमिनल है, नॉमिनल में बोला एक्सपेंस लॉसेस इनकम एंड गेन। क्या हम ये ड्रॉ करें, आप तुम मत करो, मैं करता हूं, आप मुझे गाइड करना, बराबर कर रहा हूं सर और मैडम। मैं यहाँ पे क्या लिखू, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, बताओ यहाँ पे क्या था, देख के मत बोलना, पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पे क्या था, स्पेलिंग क्या था, इम्पर्सनल, आई एम पर्सनल, ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल के कितने क्लासिफिकेशन थे, तीन, एक था नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक क्या था आर्टिफिशियल का स्पेलिंग आएगा ना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक क्या था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, यहाँ पे इम्पर्सनल में कितने मेन अकाउंट है, दो, एक क्या था रियल अकाउंट और एक क्या था नॉमिनल अकाउंट, बराबर याद आ रहा है कि नहीं। हाँ, रियल अकाउंट में दो क्लासिफिकेशन थे, एक क्या टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल क्या बेटा असेट, और नॉमिनल में क्या था एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और क्या था गेन। ये चार्ट होने के बाद तुम कुछ एग्जांपल दोगे अभी, अब एग्जांपल मुझे बताना, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम, नेचुरल पर्सन का एग्जांपल क्या था, राम अकाउंट, ठीक है ना, वेदांत अकाउंट, ठीक है, दो दो ही लिखूंगा। आर्टिफिशियल पर्सन का क्या था, SBI बैंक, ठीक है ना, या फिर क्लब लिखता हूं, स्पोर्ट्स क्लब, बस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का एग्जांपल क्या था, कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी प्रीपेड, पेड इन एडवांस ही बोल सकता हूं, पेड इन व्हाट एडवांस, पेड इन एडवांस, अक्रूड, या फिर जो भी, ये सारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। टेंजिबल में बोलो, कार, कंप्यूटर, यहाँ पे गुडविल, पेटेंट। एक्सपेंस में सैलरी, वेजेस। इनकम में कमीशन रिसीव्ड, और रेंट क्या बेटा रिसीव्ड। इतनी चीजें थी। ओके, ये चार्ट तुम्हें ड्रॉ करके लाना है घर से, अभी नहीं, घर से लानी, ठीक है। ओके, और अब तुम देखो यहाँ पे, इन्होंने कुछ सवाल बनाए हुए हैं, वही है जो मैंने अभी बताया आपको, वही चीज है, रियल वगैरह वगैरह सब वही है, एक बार पढ़ने का हो, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच से। ये टू एस्पेक्ट क्या है वो देखेंगे बाद, ये तो अलग ही दुनियादारी, लेकिन ठीक है। तुमको अभी एक सिंपल सा सम देता हूँ, सिंपल नहीं, बाकी जिन बच्चों ने पहले किया था
वो इसे वापस एक बार क्विक क्लिक करे, किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने पहले इसको ऑलरेडी किया हुआ है। क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आपको ऐसे रहेगा स्टेशनरी अकाउंट, फिर आपको दिया जाएगा कुछ कुछ तो ये महेश इसी जाएगा, महेश क्या है पर्सनल अकाउंट बराबर, और स्टेशनरी एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, मशीनरी असेट है रियल, कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट होता है तो पर्सनल, ठीक है कुछ बातें तुम्हें सीखने को मिलेगी, कैपिटल से पर्सनल है मैं बता दूं, लॉस नॉमिनल, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल, बिल्डिंग रियल असेट है, बिल्डिंग असेट है तो रियल कैश, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल आर्टिफिशियल, कॉपीराइट रियल इंटेंजिबल असेट है, रिपेयर्स खर्चा है तो नॉमिनल, लैपटॉप असेट है रियल, और वेजेस खर्चा है नॉमिनल, बस ये आपको बस इतना क्लासिफाई करना करना था पर्सनल रियल नॉमिनल। तो इलस्ट्रेशन टू घर से करना है और थ्री भी करना है, ट्रेडमार्क कौन सा है रियल ट्रेडमार्क, क्योंकि गुडविल है ना, मतलब सॉरी इनटेंजिबल है ना, वैसे इतना इलस्ट्रेशन टू और थ्री करके ला, ठीक है। सो आज का सेशन यही पे होता है समाप्त, आप घर पे नहीं यही पे करोगे अभी के अभी, तुम लोग यही जिनका हो गया है वो सिर्फ पढ़ो मत लिखो, जिनका नहीं हुआ है पहली बार है वो दोनों इलस्ट्रेशन लिखेंगे, टेक्स्ट बुक आपके सामने होना चाहिए, पहले तो ये वाला लिखो, हाँ बेटा ले लो हो गया, पहले ये वाला लिखो, हाँ ऑनलाइन में भी, यस बेटा ये वाला लिख रहे, पहले वाला ऑनलाइन में भी सब, पहले सेकंड और थर्ड इलस्ट्रेशन करें।